Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagaur. तो कल अपन ने औद्योगिकरण के बारे में बात की थी, औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में बात की थी, जिसमें अपन ने बात की थी आर्थिक प्रभाव किस प्रकार के थे, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार के थे, सामाजिक प्रभाव किस प्रकार के थे और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पे किस प्रकार के प्रभाव पड़े औद्योगिकरण के। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे कि जो विश्व के दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरे देश हैं, वहाँ पे औद्योगिकरण किस प्रकार से फैला, वहाँ पे औद्योगिकरण कब आया, वहाँ पे औद्योगिकरण की प्रकृति क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ पे नेचर क्या था। अब ये जो टॉपिक है कि जापान में किस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है, रशिया में किस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है, जर्मनी में किस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है, ये BA के अंदर नहीं है। ये जो टॉपिक है ये IAS और RS के सिलेबस में डाल रखे हैं। USA में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है, तो चार पांच जो प्रमुख देश है वहां पे किस प्रकार से औद्योगिकरण आगे फैला, तो अपन थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे इसमें डिटेल में जाने के बजाय, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस होता है हिस्ट्री का, उसमें ये शामिल है। तो सबसे पहले अपन जापान के बारे में बात करते हैं कि जापान में किस प्रकार से औद्योगिकरण शुरू हुआ और आगे बढ़ा। अब सबसे पहली लाइन ये लिख रखी है कि व्हेन इंपीरियलिज्म वाज ड्रेनिंग एशिया, यानी जब एशिया पे साम्राज्यवाद का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, उस समय में जापान इस स्थिति में था, जापान वाज एबल, जापान इस स्थिति में था कि वो विदेशी अतिक्रमण को रोक सका, यानी विदेशी आक्रमण को सक्सेसफुली जापान ने रोका भी और इसके साथ ही एक आधारशिला भी रखी अपने देश में, एक औद्योगिक राष्ट्र की आधारशिला भी रखी जापान के द्वारा। एक तो जापान ने साम्राज्यवाद का सामना किया और दूसरा उसके साथ साथ औद्योगिकरण की आधारशिला भी अपने देश में रखी और इसके साथ साथ जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बन सका। यानी कहने का मतलब है कि जापान के सामने काफी अधिक विकट परिस्थितियां थी, विकट परिस्थितियों में जापान ने औद्योगिकरण को अपने देश में गति प्रदान की। विकट परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि साम्राज्यवाद उस समय अपने चरम पे था और जापान को भी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ रहा था, खासकर पूरा का पूरा जो एशिया था वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चपेट में आ चुका था। तो इन परिस्थितियों में जापान ने अपने राष्ट्र में औद्योगिकरण करके दिखाया। जैसे कहा जाता है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण आने में लगभग 150 साल लगे, यानी 150 साल तक औद्योगिकरण का प्रभाव रहा ब्रिटेन में, लेकिन जापान में मात्र 30 सालों में औद्योगिकरण आ गया। तो यहाँ पे क्विक औद्योगिकरण है, बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण है, इनके पास इतना समय नहीं था कि 150 साल के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को पूरा करें, तो मात्र 30 सालों में औद्योगिकरण का प्रभाव जापान में देखने को मिल गया। तो इसमें अगला पॉइंट उसे बहुत अच्छा लिख रखा है कि जापान में इन जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ट्रिगर्ड बाय नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जो जापान से संबंधित जो औद्योगिकरण का इशू है उसकी आत्मा इस लाइन में समेटे हुए है कि जापान में औद्योगिकरण इतना तीव्र गति से इतने कम समय में कैसे हो सका, उसके पीछे किसकी ताकतें थी, राष्ट्रवाद की ताकत थी, क्योंकि जापान में उस समय में राष्ट्रवाद बहुत अधिक मजबूत हो चुका था, देशभक्ति लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी, उसी देशभक्ति की भावना के तहत लोगों ने देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो औद्योगिकरण हुआ उसका कारण डिमांड नहीं थी कि जो जापान की जो वस्तुएं उनकी डिमांड या मांग बहुत अधिक हो गई है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर वहां के लोगों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जबकि ब्रिटेन के केस में अपन क्या देखते हैं, ब्रिटेन में औद्योगिकरण इसलिए आ सका, डिफरेंस है यहाँ पे ब्रिटेन और जापान में कि ब्रिटेन में इसलिए औद्योगिकरण आ सका क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं की पूरी दुनिया में डिमांड थी, क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियां स्थापित करके थी कई महाद्वीपों में, तो वहां पे ब्रिटेन की वस्तुओं की डिमांड रहती थी, तो इस कारण ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया, लेकिन जापान का औद्योगिकरण राष्ट्रवाद के कारण आया, तो ये डिफरेंस है। फिर अमेरिकन मिलिट्री थ्रेट, उस समय अमेरिका से भी जापान को खतरा था, ठीक है, अमेरिका से भी जापान को खतरा था, फोर्स फॉर ओपन डोर पॉलिसी, अमेरिका कोशिश कर रहा था, दबाव डाल रहा था जापान को कि वो अपनी यहाँ पे जापान अपने यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया, अमेरिका किस लिए फोर्स कर रहा था जापान को कि वो अपनी नीति में बदलाव करे, जापान अपने यहाँ पे मुक्त द्वार की नीति अपनाए। मुक्त द्वार की नीति क्या है कि जापान आसानी से विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने दे, यहाँ पे व्यापार करने दे विदेशी लोगों को, यहाँ पे फैक्ट्रियां स्थापित करने दे विदेशी लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जो जापान में मुख्य बिंदु था वो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद के कारण यहाँ पे औद्योगिकरण आया है।
और राष्ट्रवाद के चलते मेजी रेस्टोरेशन, मेजी क्या है, मेजी एक डायनेस्टी है वंश जापान में, तो जापान के राजा थे मेजी वंश के थे, तो मेजी वंश के राजाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसको मेजी रेस्टोरेशन कहा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल भी आता है जापान से संबंधित कि मेजी रेस्टोरेशन किया है, यानी किस प्रकार जो मेजी वंश के राजा थे उन्होंने जापान का उत्थान किया, जापान का उद्धार किया, जापान का अत्यधिक विकास किया मेजी वंश के काल में। तो उन्होंने भूमिका बना ली थी 1868 में कि जापान का अच्छा खासा विकास पहले हो चुका है, क्योंकि जो मेजी वंश के राजा थे उन्होंने कई प्रकार के सुधार जापान में किया। तो यहाँ पे भूमिका बहुत अच्छी बन गई थी कि आने वाले समय में औद्योगिकरण तीव्र गति से जापान में हो सकता है, उन्होंने आधारशिला पहले ही रख दी थी औद्योगिकरण की। और जापान में किसका बोलबाला रहा है, स्टेट एक्शन, राज्य का महत्वपूर्ण रोल रहा है औद्योगिकरण के अंतर्गत, स्टेट एक्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, राज्य का योगदान अत्यधिक रहा है, और राज्य ने खासकर कैपिटल मुहैया कराई, कैपिटल क्या होता है, पूंजी, औद्योगिकरण के लिए पूंजी मुहैया कराई बिजनेसमैन को, और जो जापान की पूंजीपति का जो वर्ग था उन्होंने कहाँ पे अपना पैसा लगाया, अधिकतर रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाया। रियल एस्टेट क्या होता है, जैसे बिल्डिंग का निर्माण हो गया, पुलों का निर्माण हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उसको रियल एस्टेट कहा जाता है, जो घरों का निर्माण हो गया, तो रियल एस्टेट में जापान के जो कैपिटलिस्ट थे पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, और रियल एस्टेट के साथ साथ उन्होंने बैंकिंग में भी पैसा लगाया, क्रेडिट ऑपरेशन में भी पैसा लगाया, बैंकिंग व्यवस्था में पैसा लगाया। क्रेडिट ऑपरेशन क्या होता है कि पैसा लोन के माध्यम से अन्य संस्थाओं या लोगों को देना, तो इन सभी ऑपरेशंस में वहां के जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उन्होंने पैसा लगाया। तो यहाँ पे सरकार का एक्टिव रोल था, क्योंकि सरकार ने पूंजी मुहैया कराई उद्योगपतियों को जापान में, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। अपन डिफरेंस के बारे में बात करें, ब्रिटेन में जो राज्य था उसने केवल एक सहायक भूमिका प्रदान की थी, एक्टिव रोल नहीं था ब्रिटेन में राज्य का। ब्रिटेन वॉज ओनली, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ओनली अ फैसिलिटेटर, यानी एक सहायक भूमिका थी। मुख्यतः जो कार्य है ब्रिटेन के उद्योगपतियों के द्वारा किया गया औद्योगिकरण के अंतर्गत। फिर अगला पॉइंट क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु उसका उत्पादन ब्रिटेन में हुआ है, जैसे कोई मशीन है उसका उत्पादन ब्रिटेन में हुआ है, अब जापान में मशीन पहुंचती है, अब जापान वाले क्या करेंगे, उस मशीन को रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, खोल खोल के देखेंगे इस मशीन को कैसे बनाया गया, टॉप से लेके डाउन तक आएंगे धीरे धीरे मशीन को खोलते खोलते, और इससे उनको जानकारी मिल जाएगी कि मशीन का उत्पादन या मैन्युफैक्चर या मशीन को किस प्रकार से बनाया गया, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए जो जापानीज उद्योगपति है उन्होंने वस्तुओं और मशीनों का निर्माण अपने देश में करना शुरू कर दिया। इट वॉज कॉपी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विदाउट बॉदरिंग अबाउट प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड, यानी एक मशीन का निर्माण हुआ है वो किन सिद्धांतों के आधार पर हुआ है इससे कोई मतलब नहीं था। जस्ट उस वस्तु को खोल के, उस मशीन को खोल के अच्छी तरीके से देख लिया गया कि इस मशीन को किस प्रकार से बनाया गया, तो उसमें जापान को कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि रिसर्च पहले ही विदेश में हो चुकी थी, रिसर्च ब्रिटेन में अमेरिका में पहले ही हो चुकी थी। उन वस्तुओं को खोलकर उनकी तह तक गए वस्तुओं की और उसका निर्माण जापान में शुरू कर दिया। इट वॉज द कॉपी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो अमेरिका से कोई भी मशीन आई थी उसकी कॉपी जापान में बनाने लग गए, तो इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो दे यूज्ड फॉरेन टेक्नोलॉजी, उन्होंने विदेशी तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन अप्रोच वॉज इंडिजिनियस, जो उनकी अप्रोच थी बनाने की वो स्थानीय अप्रोच थी, नॉट हाई क्वालिटी बट चीपेस्ट, यानी जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट बने औद्योगिकरण के अंतर्गत उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वो सस्ते थे, दे वर प्रीटी चीप। टारगेटेड बॉटम पुअर, क्योंकि उन वस्तुओं का निर्माण करके उपभोक्ता कौन थे जापान में, खासकर किसको टारगेट किया गया, जापान के उद्योगपतियों के द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया गया वस्तुओं को बेचने के लिए, तो इसलिए वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं थी, उसके बाद भी वस्तुएं अच्छी खासी बिकी, क्योंकि वो गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं का निर्माण किया था। तो बी ग्रेड क्वालिटी, बी क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी, ए ग्रेड का माल होता था जापान में, बी ग्रेड का माल होना इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक नीड, जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था, जापान को एक्सपोर्ट नहीं करना था वस्तुओं को, वस्तुओं का निर्माण करके जो ब्रिटेन में हुआ, इस समय केवल घरेलू जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करने में जापान लगा रहा। तो जापान क्या रहा, जापान वॉज अ लेट कमर, जापान में औद्योगिकरण लेट शुरू हुआ, काफी बाद में शुरू हुआ, ब्रिटेन के बाद में शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तीव्रता अधिक थी,
स्पीड अधिक थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इट हैपेंड रैपिडली। और ब्रिटेन में क्या रहा, इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ब्रिटेन में 150 साल लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने में। ब्रिटेन में प्रक्रिया काफी स्लो रही क्योंकि धीरे धीरे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पनपा लगी। जापान में जैसा आपने पढ़ा था, मात्र 30 साल के अंदर औद्योगिकरण आ गया। और खासकर जापान ने किसमें फोकस किया, इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जापान में, जैसे टीवी हो गया, वीसीआर हो गया, इस प्रकार के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे अधिक फोकस रखा गया। और जैसे इसमें एक और सहायक कारण है कि जापान में औद्योगिकरण है कि 1885 से लेकर 1918 तक वेस्ट में क्या हो रहा था, युद्धों का सिलसिला था। वेस्ट में 1885 से लेकर 1918 के बीच में वेस्ट यूरोप में अनेक प्रकार के युद्ध लड़े गए, इसलिए यूरोप वहां पे बिजी हो गया। और जो एशिया का मार्केट था वो जापान के लिए ओपन हो गया। तो जापान ने औद्योगिकरण के अंतर्गत अपने यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करके एशिया के मार्केट में, यानी एशिया के देशों को वस्तुएं पहुंचाई। अपन इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रभाव क्या था जापान के औद्योगिकरण का। एक्सपेंशन ऑफ वर्क, एक्सपेंशन ऑफ वर्कर्स, ये भी पता नहीं लग पा रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। अपन आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ओलिगार्की इंक्रीज्ड, स्टेट सोल्ड एंटरप्राइजेस टू फैमिलीज, मित्सुबिशी, सुमितोमो, कुछ वहां की कंपनियों के नाम है जो काफी फेमस हुई थी जापान में, जैसे मित्सुबिशी है। मित्सुबिशी कंपनी आज भी एक नोन कंपनी है जो इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर रही है। मित्सुबिशी कंपनी की स्थापना औद्योगिकरण के समय में हुई थी। सुमितोमो भी एक कंपनी है। तो ये क्या है, फैमिली है। फैमिली का मतलब क्या है, वंश है जापान के जिनका वहां के बिजनेस पे कब्जा रहा था। कुछ फैमिली ही कब्जा जमा पाई जापान के बिजनेस में, जैसे अगर अपन भारत में बात करें अंबानी अडानी, इनका अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व रहता है, इनका भारत के बिजनेस में प्रभुत्व रहता है। उसी प्रकार से जापान में जो मित्सुबिशी फैमिली थी, जो सुमितोमो फैमिली थी, इनका प्रभुत्व वहां के बिजनेस में अच्छा खासा रहा। तो औद्योगिकरण का अधिकतर फायदा कुछ पारिवारिक वंशों तक ही सीमित रहा जापान के अंदर। तो एक प्रकार की फाइनेंशियल ओलिगार्की बन गई। फाइनेंशियल ओलिगार्की का क्या मतलब है, यहाँ पे ओलिगार्की एक अंग्रेजी का शब्द है। ओलिगार्की का मतलब होता है समूह, यानी कुछ परिवारों के समूह ने ही अर्थव्यवस्था पे अपना प्रभाव डाला, या अधिकांश जो बेनिफिट है कुछ परिवार का समूह को ही मिल पाया, जैसे मित्सुबिशी हो गया, सुमितोमो हो गया। इकोनॉमी वॉज मोनोपोलाइज, तो एकाधिकार स्थापित हो गया, जो एग्जैक्ट वर्ड है मोनोपोली, इन परिवारों ने अपनी मोनोपोली स्थापित की जापान में। इसलिए जापान के जो पूंजी, जो कैपिटलिज्म सिस्टम है जापान का, उसको मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। यानी किस प्रकार का पूंजीवाद है, एकाधिकार वाला पूंजीवाद। यहाँ पे एकाधिकार था कुछ फैमिलीज का। ठीक है, आज अपन ने जापान के बारे में बात की है, कल अपन अन्य देशों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।